Hello everyone, hope you all are fine. In last class, we learned about two famous Rajasthani painting, that is Maru Ragini and Choga Player. Okay, in this video, we are going to learn more three famous Rajasthani painting. Okay, so let's we start. So here is our three famous painting, that is Krishna on Swing, Radha Banithani and Bharat Meets Rama at Chitrakoot. Okay, so our first painting is Krishna on Swing. Iske artist hai Nuruddin, school hai Rajasthan, Bikaner. Iska medium hai watercolor on paper. Time period hai 1683 AD. Courtesy hai National Museum, New Delhi. Subject matter: this painting painted by Nuruddin is based on the Rasik Priya poetry of Keshav Das. ये painting Nuruddin ने Keshav Das की कविता रसिक प्रिया पर बनाई है. One day Krishna takes with him on the swing a gopi other than Radha. एक दिन कृष्ण राधा के अलावा किसी और गोपी को झूले पर ले जाता है. This behavior of Krishna offends Radha, whose love for Krishna will not tolerate anyone in between. On this Radha feel betrayed and upset. कृष्ण का ये बिहेवियर राधा को ऑफेंड करता है, प्रभावित करता है. राधा अपने और कृष्ण के बीच में किसी और को टॉलरेट नहीं कर सकती. इसी वजह से एक दिन राधा अपने आप को बिट्रेड महसूस करती है, जैसे उसको किसी ने धोखा दिया है, जिसको सोचकर वह बहुत ही अपसेट हो जाती है. ये पेंटिंग टू पार्ट्स में डिवाइड है. इसको देखकर ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ने इसके एपिसोड को थोड़ा सा चेंज किया है. इसके अपर पार्ट में पेंटिंग के फर्स्ट एपिसोड को शो किया गया है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. इसमें कृष्ण अकेले झूले पर है, उसकी आईज राधा पर है जो कि एक पोर्च पर बैठी हुई है. वहीं पर राधा भी कृष्ण को देख रही है. इस तरह ईगो दोनों के बीच में उनके यूनियन यानी जो उनके मिलन है उसमें बाधा डाल रहा है, और वो ईगो उन दोनों को मिलने से रोकता है. इस पेंटिंग के लोअर पार्ट में कृष्ण को एक बोवर के अंदर और राधा को दूसरे के अंदर बैठे हुए दिखाया गया है. दोनों के आईज और फेस को ग्रीफ और पेन में दिखाया हुआ है, पूरे दर्द में दिखाया है. गोपी के हैंड मूवमेंट से ऐसा लगता है कि वो कहना चाहती है कि लाइक एक मेल यानी पुरुष और शक्तिशाली होने के नाते उसे ब्रॉड और लिबरल होना चाहिए, और उसे राधा के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए. ये पेंटिंग फोक आर्ट एलिमेंट को शो करती है. इसमें कलर्स की सॉफ्ट टोन को यूज़ किया गया है. लाइन थिन और शार्प हैं. इसमें कृष्ण ने क्राउन और ऑर्नामेंट डाले हुए हैं. राधा और कृष्ण के पीछे एक राउंड पिल्लो है, गोल तकिया बनाया गया है. इसमें ऑर्नामेंट के लिए वाइट कलर का यूज़ किया गया है. ओके, और नेक्स्ट पेंटिंग इज़ राधा बनीठनी. इसके आर्टिस्ट हैं निहाल चंद. इसका स्कूल है किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान. इसका टाइम पीरियड है 1760 AD. इसका मीडियम है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर. कर्टेसी है नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली. ओके, इसका सब्जेक्ट मैटर है: दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावर सिंह ऑफ किशनगढ़ नेम्ड बनीठनी. द किंग वॉज ग्रेट डिवोट ऑफ राधा एंड कृष्णा. ही गेव द नेम बनीठनी टू हिज कोर्ट डांसर. ये पेंटिंग किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के दरबार के जो डांसर हैं उस पर आधारित है, जिसका नाम बनीठनी रखा गया है. किंग राधा और कृष्ण का भक्त था. उसने अपनी कोर्ट डांसर यानी जो उसकी दरबार की नर्तकी थी उसका नाम बनीठनी रखा था. ये किशनगढ़ की राजस्थानी आर्ट की सबसे फेमस पेंटिंग है. निहाल चंद की पेंटिंग राधा ऑफ किशनगढ़ और बनीठनी का मीनिंग है वेल टर्न्ड आउट. इसका फेस एलोगेंटेड है, मींस लंबा है. स्लोपिंग फोरहेड बनाया हुआ है, मींस झुका हुआ माथा है. पॉइंटेड चिन है. वेल कट लिप्स बनाए गए हैं, और इसके जो हेयर्स हैं वो शोल्डर से लेके वेस्ट तक बनाए गए हैं. इसकी लॉन्ग फिंगर है, मींस बड़ी बड़ी उंगलियां बनाई गई हैं, जिससे उसने अपने ट्रांसपेरेंट ओढ़नी को पकड़ा हुआ है. इसके लेफ्ट हैंड में पिंक और वाइट कलर के लोटस बर्ड हैं.
ओढ़नी को गोल्डन मोटिफ के साथ डेकोरेट किया गया है। इसकी ड्रेस और ज्वेलरी कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी को शो करती है। इसने नेक में वाइट पर्ल नेकलेस डाला हुआ है। इसका बैकग्राउंड में डीप ब्लू कलर यूज़ किया गया है। इसकी लाइन बहुत ही शार्प है और थिन है। ऐसा माना जाता है कि निहाल चंद ने बनी ठनी को एक मॉडल के रूप में लिया होगा। बॉडी को पीच कलर से पेंट किया गया है। ये जो पूरी पेंटिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। इसके आर्टिस्ट हैं घुम्मन। स्कूल है जयपुर स्कूल। टाइम पीरियड है 18th century AD। मीडियम है इसका टेम्परा वाटर कलर एंड पेपर। कर्टेसी है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ओके, इसका सब्जेक्ट मैटर है द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम रामायणा व्हेन भरत कम्स टू चित्रकूट टू मीट रामायणा विद हिज थ्री मदर्स एंड गुरु विश्वामित्र। वेरियस एपिसोड हैव बीन शोन इन अ सिंगल सीन। इस पेंटिंग में रामायण के एक सीन को शो किया गया है जब भरत अपनी थ्री मदर्स और गुरु विश्वामित्र के साथ राम को मिलने के लिए चित्रकूट आते हैं। इसमें सिंगल सीन में कई एपिसोड को शो किया गया है। इस पेंटिंग में ग्रीन कलर की जो डिफरेंट शेड्स दिखाई गई हैं वो इस पेंटिंग की स्पेशलिटी है। इसमें बनी हुई हट यानी जो झोपड़ियाँ हैं उसके फ्रंट में राम और सीता और लक्ष्मण को खड़े हुए दिखाया गया है। झोपड़ी के पीछे रसीले हरे भरे केलों यानी बनाना के पेड़ों को बनाया गया है। इस छोटी सी पेंटिंग में 49 फिगर्स को बनाया गया है। इसमें राम को अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हुए भूमि पर लेटे हुए दिखाया गया है, जहाँ पर लक्ष्मण साथ में खड़ा है और विश्वामित्र की तरफ हाथ जोड़े हुए हैं। एक जगह पर राम अपनी माँ से मिल रहे हैं। इसमें कुछ लेडीज़ को खड़े और बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें रेड और वाइट कलर के लोटस फ्लावर हम देख सकते हैं। इसमें कलर को अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है। इस टाइम में मुगल इन्फ्लुएंस फिर से आ गया था और जयपुर स्टाइल भी प्रमुख था। ओके, ये है आपकी थ्री फेमस पेंटिंग। ओके, गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।